నాగర్ కర్నూలులో కాంగ్రెస్ పార్టీ దళిత గిరిజన ఆత్మగౌరవ సభ నిర్వహించింది. అందరికీ సమన్యాయం జరగాలనే ఉద్దేశంతో సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు మాణిక్యరావు ఠాకరే. దళితులు గిరిజనులపై బీఆర్ఎస్ దాడులు చేస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణలో పరిస్థితులు మారాలన్నారు. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो सरकार अन्याय अत्याचार कर रही है, लोगों के ऊपर जबरदस्ती कर रही है. मैं रास्ते से आके देख रहा था, जो हमारे वाला नाइक जी हैं, उनके छाती पर पैर रखकर उनको रोंदने की, उनको मारने की कोशिश इस सरकार की तरफ से, इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई है. बीजेपी के कार्यकर्ता रहो, इस सरकार के वहां पे एमएलए उनके कार्यकर्ता रहो, ये यहां पे डर फैलाना चाहते हैं. लेकिन कांग्रेस पक्ष पार्टी की नीति है कि डर को कभी घबराना नहीं. राहुल जी गांधी यहां से गए थे, उन्होंने कहा था कि डरना नहीं, कांग्रेस पार्टी आपके पीछे खड़ी है, और वही आज यहां पे दिखाई दे रहा है. कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, जो हमारे अध्यक्ष है, जो हमारे सब लीडर्स हैं, जो एक्स मिनिस्टर होंगे, एक्स एमएलए होंगे, जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो सब हमारे जगन्नाथ जी रेड्डी साहब होंगे, आपके पीछे मजबूती से खड़े हैं कि वो कांग्रेस की नीति है कि गरीब आदमी के साथ, जब भी जो समाज है उनके साथ खड़ा होने की जो भूमिका है, वो यहां लेकर सभी हमारे नेतागण आए हैं. और इसके आगे भी इस तरीके से कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश इस सरकार की तरफ से, उन सरकार के पार्टी की तरफ से होगी, तो इससे बहुत बड़ा आंदोलन हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे आंदोलन यहां पे तेलंगाना में छेड़ेगी, ये मैं यहां बताना देना चाहता हूं.